जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में भी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासी दलों में शहमात का खेल शुरू हो गया। 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी मालती विश्वास ने एक बार फिर चुनावी रण में ताल ठोक दी है। ऐसे में अब यह देखना है कि सितारगंज विधानसभा में कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि कांग्रेस से संभावित प्रत्याशियों की सितारगंज में लंबी फहरिस्त है। एक तरफ पूर्व विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस से दावेदारी ठोकी है, तो दूसरी तरफ किसान नेता नव तेजपाल ने भी कांग्रेस से दावेदारी पेश की है। नव तेजपाल सितारगंज विधानसभा में युवा चेहरा है और लगातार किसान आंदोलन से जुड़कर आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस में और प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने के लिए सहमति बना चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस किस प्रत्याशी पर दाव खेलती है। मालती विश्वास के चुनावी रण में आने से सितारगंज कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों का सियासी समीकरण बदलता नजर आ रहा है। रविवार को शक्ति फार्म के टैगोर नगर की महापंचायत में एकमत से मालती विश्वास को चुनाव लड़ाने की हामी तो कार्यकर्ताओं ने भर दी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कितनी एकजुटता और मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरती है। महापंचायत में मालती विश्वास ने भी दमदार तरीके से चुनाव लड़ने की हामी भरी है। आलाकमान का क्या निर्णय होगा अब यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। 2017 विधानसभा चुनाव में लड़ चुकी कांग्रेस नेत्री मालती विश्वास के एक बार फिर चुनावी रण में कूदने से सितारगंज के सियासी रण की चर्चा बन चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मालती विश्वास को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मौजूदा विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने बड़े मार्जिन से मालती विश्वास को हराकर चुनाव जीत लिया था। देखना यह होगा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2022 में किन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में आती है। जहां एक तरफ कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय व जाति धर्म के मुद्दे भी साधने होंगे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मालती विश्वास को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्थानीय और क्षेत्रवाद के मुद्दे पर आगे क्या होता है यह देखने वाली बात है। महापंचायत में मालती विश्वास ने कहा कि यदि आलाकमान ने उन पर विश्वास जताया तो वे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। महापंचायत में सितारगंज 68 विधानसभा प्रभारी परिमल राय, जिला पंचायत पति रविंद्र सिंह, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय कुमार गांधी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने समर्थ से पूरे गाँव वाला से आदेश लिया, एक होके साथ देंगे सब लोग, आगे के लिए हम काम करेंगे। जैसे ये 2-4 दिनों से शक्ति पार्क में चर्चा चल रही है, दावा रख दिया हो सकते उनकी दिल्ली आशा है टिकट तेरे को क्षेत्रीय बैंक से विस्तार में बोलिए क्षेत्र के उद्देश्य को टिकट दे, हम चाहते हैं सब क्षेत्र बदल की टिकट दे। जैसे कि मैंने कोरोना काल में काम किया, जनता को सेवा करवाया, कुछ लोग और सब जानते हैं, सब क्षेत्र में लोग जानते हैं, लोगों का ऐसा आरोप है। मैंने काम किया, कोरोना काल में काम किया हमने। हर पार्टी में धर्म जाति समुदाय उनके वोट की संख्या और जो कैंडिडेट जो प्रत्याशी होता है उनका जनाधार क्या है, समस्त चीज़ों का करके फिर जो है निर्णय लेती है पार्टी। क्या हम मान सकते हैं? बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकता कि मालती विश्वास जी को ही मिलेगा, लेकिन जो है लोगों के जो है स्थानीय लोग अगर जोर बनाए, स्थानीय लोगों का अगर समर्थन मिला, क्यों नहीं मिल सकता। इस बार क्या जो पूरे प्रदेश की स्थिति है, भाजपा के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया है, महंगाई बेरोजगारी ने इस हाल कर दिया है, युवाओं का जो है बिल्कुल युवा लोग जो है बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, वो कांग्रेस के प्रति आस्था जता रहे हैं और लगातार शक्ति फार्म सितारगंज के क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय मांग उठ रही है, यहाँ की जनता लोग अपने अपनी मांग रख रहे हैं, क्षेत्रीय लोगों को क्षेत्रीय का तो विशेष ध्यान रखा जाएगा, जब यहाँ के वोटर्स हैं तो क्षेत्रीय जो यहाँ के जो भी कार्यकर्ता युवा हैं, बुजुर्ग हैं या शक्ति फार्म सितारगंज के लोग हैं, वहाँ पे भी आवाज़ उठी है और मैं इन बातों को पार्टी फोरम में मैं उठाऊँगा और उनको जैसा भी अच्छा लगे उस तरीके से एक सशक्त प्रत्याशी को उतारा जाएगा जो 68 विधानसभा में जीत दर्ज कर सके। जैसे कि अभी इस प्रकार का कोई नहीं, हमारे जितने भी प्रत्याशी मैदान में होना चाहिए, अब प्रत्याशी मैदान में है अधिक ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का जो है जनाधार बड़ा है और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है जनता आकर्षित हो रही है, तो इसलिए किसी को इसमें सभी को मालूम है, सारे प्रत्याशी को मालूम है कि टिकट एक ही जने को मिलना है और सब लोग प्रयास करते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए अंतिम उसमें, चाहे जो भी प्रत्याशी मैदान में।
तो आखिरी में पार्टी जाकर मैं देखिए पिछली बार भी बंगाली समाज को मौका दिया है, सम्मान दिया है और हो सकता है पार्टी नेतृत्व फिर से सम्मान दे दें। अगर वो अगर एकता दिखे तब शक्ति फार्म क्षेत्र में बंगाली समाज में अगर एकता दिखे तब क्या पता कोई निर्णय ले ले। अब मैं तो अपनी बात को हाईकमान तक पहुंचाऊंगा। और दूसरी बात केवल बंगाली समाज को लेके चलने से भी नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सभी समाज में अपनी पकड़ रख सके और जिता सके, क्योंकि हर धर्म जाति समुदाय के लोग इस विधानसभा में हैं। मैं मान सकता हूं कि यहां पर बंगालियों की संख्या ज़्यादा है, तो उस आधार पे पिछली बार भी दिया तो हो सकता है इस बार भी दे दें। जो मतलब सही प्रत्याशी होंगे उनको मैदान में उतारा जाएगा।